फ्रेंड्स, हम इस व्लॉग को बनाएंगे सिर्फ ताइफ से जद्दा तलक के लिए। जो ताइफ पे तफ्तीश है, उधर से हज के टाइम पे अंदर सेल सगीर सेल कबीर की तरफ को नहीं आ सकते, ताइफ के अंदर कोई शहर की तरफ को नहीं आ सकते। तो हम आज आपको दिखाएंगे ये बाहर से बाहर वाला रोड, बाहर बाहर से हम आज जाएंगे। तो देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। दिक्कत नहीं, ये देख सकते हैं खुला, नो टेंशन जा रहे हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, ना कैमरा स्पीड का, ना कुछ है, कोई चीज़ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका एक नए और व्लॉग में। तो देख सकते हैं आप लोग, ये वो पहाड़ी है, ये वो रास्ता है जिधर से हम ताइफ से जब हज और उमरा होता है ना, तो वहाँ से रास्ता बंद कर देते ताइफ को, बड़ी गाड़ी नहीं निकल लेते थे ट्राला। तो ये वो रास्ता है जो ताइफ से तफ्तीश से राइट में मोड़ देते हैं, ये जद्दा और जम्मू में जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सब कितनी पहाड़ी काट के रास्ता बनाया गया है। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, देखिएगा कितना ढाल आएगा, ये देखिए। बहुत ज़्यादा नीचे को उतराई है इसकी रोड की। ये देखिए कितनी स्पीड से हम उतर रहे हैं, 20 की स्पीड है। और ये सिर्फ ये गोल रास्ता है, ये देख सकते हैं गोल रास्ता है। वो सामने से देखो कार आ रही है, बहुत घूम घूम के रास्ता है, लेकिन इस पे रोड पे ट्रैफिक नहीं मिलता, ये बहुत बहुत अच्छी है। ये देखिए ट्रालों की टोली जा रही है, ये देख सकते हैं। इस पे सिर्फ आने में रास्ता बंद नहीं करते हैं, हाजियों के लिए भी या ट्राले के लिए ताइफ में जा सकते हैं जद्दे की तरफ से, रियाद रोड की तरफ को। लेकिन इधर से अगर हम रियाद से आ रहे हैं ना, तो ताइफ को नहीं जाने देते, वो 3 दिन के लिए बंद रहता है, जब तक हज होता है ना 3-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं रोड को। तो इसीलिए जो है ना, सब लोग यहाँ से जाते हैं। देखिए ये चल भी नहीं रहा है, इनकी वजह से सारा ट्रैफिक है। हम अभी यहाँ से ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि घूमे कुछ पता नहीं, सामने से गाड़ी बहुत स्पीड से आएगी ना। ये देखो इस तरीके से घूम है ना, तो जहाँ पे ऐसा घूमे वहाँ पे बिल्कुल भूल के भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं सामने से। ये देखिए, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं आप लोग, ये कार आ रही है। अभी मैं इधर ओवरटेक करूँ या कोई भी और ओवरटेक करे, तो हमें क्या पता सामने से कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। ये देख सकते हैं ये पार्किंग है, ये बेचारा कि किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, ये मुसलस रख रखा है, सेफ्टी रखी हुई है। SMB कंपनी की गाड़ी, ट्रक खड़ा है कार कैरियर का। तो ये तो फ्रेंड्स चल ही नहीं रहे, ये तो उतराए पे, मैं तो सोच रहा था कि ढाल पे सिलो उतार रहे हैं, लेकिन ये तो प्लेन में भी चलने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या है, ज़्यादा लोड है क्या है, सितारे में ज़्यादा लोड तो खैर नहीं होता, बस 15 टन, ज़्यादा 20-22 टन। ये देख सकते हैं, मज़ा आता है वैसे ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना ठंडा मौसम है माशाल्लाह, यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ये देख सकते हैं, और पीछे हमारे जो ना कार भी आ रही है, ये देख लो कार भी इधर ओवरटेक नहीं कर रही, लेकिन चल उस पट्टी में रही है, दूसरी वाली में, फर्स्ट पट्टी में, लेकिन वो भी ओवरटेक नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है रास्ता, सामने का कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी देखिए सामने का नज़र आया तो ये कार निकल जाएगी, ये देख सकते हैं, ये देखो गई, ठीक है। माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने समझदार ड्राइवर है। अब ये जो है एक छोटा सा गांव आ चुका है, ये देखिए कैसे पहाड़ी में गांव बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है बाकी यहाँ पर,
कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत। ये देख सकते हैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी, यहाँ पर जो है ना पेड़ पौधे बहुत कम हैं, बहुत कम दिखाई देंगे पेड़ पौधे, बहुत कम दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं जहाँ भी देखेंगे ना, ये अगर ये झाड़ी के पेड़ हैं तो ये भी सूखे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इधर कोई पानी का सिस्टम नहीं है। अगर पेड़ कोई लगाता भी ना, या रोड पे भी लगाते हैं, तो वो भी जो है ना टैंकर से पानी डालता है, उसमें भी टैंकर से पानी डालते हैं उसमें, अगर जो रोड पे पेड़ लगाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये खजूर का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए ये जो खजूर के पेड़ लगे हुए हैं ना रोड पे, तो इनमें भी टैंकरों से पानी डलता है। तो ये देखिए, अभी हम आपको गांव का व्यू दिखाएंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह गांव, और ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत, कितने प्यारी मस्जिद बनी हुई है। गाड़ी साइड में रोकेंगे, थोड़ा चेक कर लेंगे, लेदर तो नहीं पकड़ रही गाड़ी। ये देखिए टायर में पिंचर हो चुका, कील बढ़ गई, आवाज भी आ रहा हुआ, साउंड भी है। फ्रेंड्स रास्ता तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे बहुत खुला रोड है ये, बस ये है, लेकिन ये दूर पड़ता है, तकरीबन 100 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता है। लेकिन रास्ता रास्ता एकदम VIP रास्ता है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं खुला, नो टेंशन जा रहे हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, ना कैमरा स्पीड का, ना कुछ है, कोई चीज़ नहीं है, खुला बिल्कुल, ना मिजान है, ना कुछ है। ये देख सकते हैं आप लोग, और इतना गाड़ी पर लोड भी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल एक्सीलेटर से पैर हटा लो और आराम से चलते रहो, बस ब्रेक ले सकते हो, एक्सीलेटर नहीं। ये देख सकते हैं, और जब ऐसा ऐसा रोड आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बस ये है कि ज़्यादा स्पीड हो ना गाड़ी की, तो ज़्यादा स्पीड से ऐसी जगह नहीं मोड़नी चाहिए लोड गाड़ी को, बैलेंस बिगड़ जाएगा तो कंट्रोल नहीं होएगी। बाकी बहुत अच्छा है रोड, नया रोड है ये, ज़्यादा कर अगर चलता है ना तो हज के टाइम पे ही चलता है। ये देखिए कोई कैमरा नहीं, ना ही स्पीड का कैमरा, ना मोबाइल का, ना सीट बेल्ट का, ना नो एंट्री, ना कोई सिटी, ना कोई घर, ना कोई गांव, कुछ भी नहीं है, बस बगैर चले जाओ। अच्छा, इस रोड पे कार बहुत कम नज़र आ रही है। ये रोड जो चलता है ना, ये देख सकते हैं जद्दा जम्मू हद्दा, ये रोड तभी चलता है बस हज के टाइम पे, वरना ये खाली पड़ा रहता होगा। बहुत अच्छा किया है ये रोड बनाया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पर होटल की सेफ्टी वेफ्टी नहीं है, होटल नहीं है इस पर रोड पर कोई भी, ना ही कोई पेट्रोल पंप नज़र आता है। फ्रेंड्स लोड है हमारा जीजान का, लेकिन हमने ताइफ से जो आने वाला रास्ता है, सिर्फ उसकी वजह से हमने थोड़ी सी ये वीडियो बनाई है जद्दा दरक की। तो हम बस इस वीडियो को जो है ना इतना ही रहने देंगे जद्दा दरक के लिए, बाकी जीजान के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है रमज़ान के टाइम की। तो अभी देखते हैं, अभी अगर आपको वीडियो चाहिए वहाँ की जद्दा से जीजान की, तो हम बना देंगे, मुश्किल नहीं है। और अभी वहाँ पर जीजान में जो समुद्र है ना, जाते हुए समुद्र के किनारे किनारे जो जाते हैं, वहाँ की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आपके। फ्रेंड्स अभी हमें देखनी है पिंचर की दुकान, टायर पिंचर की, देखते हैं अभी, क्योंकि पिंचर भी जुड़वाना बहुत ज़रूरी है, चलती रहेगी गाड़ी, ऐसे तो छोटी सी कील है, अगर चलती रहेगी तो हवा इतनी नहीं निकलेगी, लेकिन कहीं पर अगर गाड़ी खड़ी ज़्यादा कर दी, खड़े रुक गए हम ज़्यादा रेस्ट करने के लिए, तो हवा सारी निकल जाएगी, सब बाहर आ जाएगी, तो इसीलिए पिंचर की दुकान देखेंगे अभी और पिंचर लगाएंगे पहले, क्योंकि सफ़र तो कटता ही रहता है। ये देखो कार कैरियर में भी एक तो ये तलाव पर जाती है, और एक ऐसी होती हैं सिंगल, और एक डबल रख कर लेकर जाते हैं। जो डबल रख कर लेकर जाते हैं ना, उसमें कार कैरियर में, उसमें जो नीचे कुबरी होती है, बहुत से कोई अंदाज़ा नहीं होता ना, तो वो कुबरी के नीचे डाल देते हैं, और बहुत ही तकड़ा नुकसान हो जाता है, जो ड्राइवर को भी भरना पड़ता है, कंपनी को भी।
दोनों को भरना पड़ता है। ये पेट्रोल पंप है एक, तो इस पे पिंचर की दुकान नहीं है क्योंकि ये बंद है। इस पे तेल भी कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता।